हेलो दोस्तों, तो आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने डिलीटेड फाइल या डाटा को रिकवर कर सकते हैं, वो भी इजिली बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आसानी से मिल भी जाता है। फुल वर्जन करने के लिए आप टोरेंट से इसे कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजिली। तो मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं, पर इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक। तो मैं अब आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से और इंस्टॉल भी कर रखा है, तो ये देख सकते हैं आप, EASEUS डाटा रिकवरी इसका नाम है। और ये लेटेस्ट वर्जन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पुराना वर्जन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेटेस्ट वर्जन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसको ओपन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले ओपन होने के बाद ये पूछ रहा हम थे को आपको मैं अपना पेन ड्राइव फॉर्मेट करके पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पेन ड्राइव में जो डाटा है उसको ही रिकवर करूंगा दोबारा से। जैसे कि आप देख लीजिए, इसके अंदर ये वीडियोज है, सॉफ्टवेयर है, वीडियोज और नोट पैड के फाइल्स है, इन सबको मैं अभी फॉर्मेट कर रहा हूँ और आप फिर देख सकते हैं दोबारा ये आ जाएगा। ये आपके सामने मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट हो चुका है। अब मैं ये सॉफ्टवेयर खोल चुका हूँ। इसमें आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है किस टाइप का फाइल, सेलेक्ट योर सेलेक्ट टाइप्स ऑफ लॉस्ट फाइल सॉरी। तो इसमें बोल रहा है कि जो आपने डिलीट किया, जो आपका फाइल लॉस्ट हुआ है, वो किस टाइप का है, जैसे फॉर्मेट किस फॉर्मेट का है, तो या फिर किस टाइप का है। तो आप इसमें देख सकते हैं ग्राफिक आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, ग्राफिक में जैसे आपके इमेजेस आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने आपको अभी नोट पैड का दिखाया था, मेरे में था वो। तो आप या तो ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो फाइलें डिलीट हुई याद है, अगर आपको कि ये फाइलें मेरी डिलीट हुई है तो आप वो सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि अभी मुझे याद है मेरा वीडियो था उस पेन ड्राइव में, ऑडियो नहीं था, इमेजेस भी नहीं थे, ईमेल भी नहीं था, और अदर्स आप सेलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि वो अदर्स चलो हटाओ, मेरे में भी नहीं था, मेरे बस नोट पैड का फाइल था, वीडियो था। तो मैं अब इसको रिकवर करने जा रहा हूँ, सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सेलेक्ट अ लोकेशन टू स्टार्ट फाइंडिंग डाटा, ये बोल रहा है कौन से, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा हार्ड ड्राइव आ रहा है और इसमें मेरा पेन ड्राइव भी आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कहाँ से आपका डाटा डिलीट हुआ है, कौन से ड्राइव से आपको डाटा सर्च करना है। तो मुझे अपने पेन ड्राइव से सर्च करना है। अब मैं पेन ड्राइव मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं स्कैन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने स्कैन पे क्लिक कर दिया है। अब थोड़ी देर में ये आपका पूरा फाइल स्कैन कर लेगा कि कौन कौन सा फाइल अभी ये रिकवर कर सकता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, 1.5 मिनट लगेगा। अगर 1.5 मिनट के अंदर इसने सर्च कर लिए सारे फाइल, जो फाइल अभी मैंने डिलीट किया है, तो अच्छा, नहीं तो आप फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डीप स्कैन करके आप कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि डीप स्कैन करने के बाद फिर बहुत टाइम लगता है, पर डीप स्कैन करने में फिर आपके फाइल मिल जाएंगे, पक्का है, पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत टाइम लगाएगा, तो मैं जब तक के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जब ये होने वाला होगा 100%, अभी आप देख सकते ये 9-10% हुआ है, तो जब ये 100% होने वाला होगा मैं फिर वहां से वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये फाइल रिकवर स्कैन कंप्लीट कर चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन कंप्लीटेड, वी हैव फाउंड 34 फाइल्स फॉर यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो 34 फाइल था नहीं पेन ड्राइव में, तो इसने जैसे कि पहले का ये फाइल ढूंढ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये शो भी कर देगा कि कौन कौन सा फाइल इसने स्कैन किया है। तो अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है ये, 79 हो चुका है, 79%। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल कंप्लीट हो चुका है सर्च करना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी फाउंड 96 फाइल्स, जो कि इतने MB का है। तो आप इसमें से अभी आपका फाइल स्कैन हुआ है, मतलब इसने पेन ड्राइव से ढूंढा कौन कौन सा फाइल है उसके अंदर जो रिकवर हो सकता है।
तो आप अब इसमें से देख सकते हैं कौन कौन सा फाइल आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। जैसे कि ये सब तो मेरा पहले था नहीं पेन ड्राइव में, मतलब बहुत पहले था, अभी जो मैंने आपको दिखाया था उसमें तो था नहीं, तो ये मुझे चाहिए नहीं, ये सब भी नहीं चाहिए मुझे। अब आप एक एक के अंदर जाके देख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं आप टाइप में जाके, जैसे कि वीडियोस कितने सर्च किया, वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे MP4 कितने वीडियो थे वो सर्च हो गया, यहाँ पे सब दिख रहा है, ऑडियो कितने हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, MP4 ऑडियो ये सारे, AMR डॉक्यूमेंट कितने थे, जैसे कि मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखा था, तो ऐसे आप देख सकते हैं इतने सारे टाइम से भी आप ढूंढ सकते हैं कि कौन से साल का है कौन से महीने का फाइल था किस डेट का, उस हिसाब से ही ढूंढ सकते हैं आप। अब आप देख सकते इतने सारे फाइल रिकवर हुए हैं, अगर आपको सारे फाइल रिकवर करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक कर ले, फिर आप ये देख सकते हैं सब पे टिक लग चुका है, मतलब ये सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप देखिए सेलेक्टेड फाइल 96 और फाउंड भी 96 हुए हैं, और यहाँ पे दिखा रहा है 96 फाइल सेलेक्ट हुए और टोटल 1.5 GB के आसपास का है, तो आप रिकवर करना चाहे तो कर सकते हैं, आप जैसे रिकवर अगर करना है तो रिकवर पर क्लिक कर सकते हैं, और ये आप पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है रिकवर, जो फाइल हम रिकवर हमें चाहिए वो सब सेव कहाँ पे करना है, तो मैं इसको अपने इसमें न्यू न्यू वॉल्यूम ऐप में सेव कर रहा हूँ, इसमें 80 GB खाली है स्पेस, तो इसमें अब आप देख सकते हैं सारा फाइल सेव हो रहा है आराम से। अब आपके ये डाटा के हिसाब से आपका टाइम लगेगा, जैसे कि स्कैन में भी मैंने बताया कि अभी तो मेरा 1.5 मिनट के आसपास लग रहा था, क्योंकि मेरा डाटा ज्यादा अभी रिकवर होने वाला था नहीं, क्योंकि मैंने आपने देखा था पेन ड्राइव में ज्यादा कुछ था नहीं, अगर उतना अगर सिर्फ उतना स्कैन करता ये तब तो और भी जल्दी कर देता, लेकिन आप जैसा कि देख सकते 96 फाइल इसने स्कैन किया, मतलब और भी इसने खुद से पहले का भी किया है, तो अगर डाटा आपका ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा है 4 GB 5 GB, तो आपका टाइम और भी ज्यादा लगेगा, रिकवर होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो अब आप अपने डाटा के हिसाब से कर सकते हैं क्या आपका डाटा कितना है, उसके हिसाब से आप टाइम यूज कर सकते, आप देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा आपका, आप देख सकते हैं ये डाटा लगभग 1.5 GB के आसपास था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया सेव, सारा फाइल सेव हो रहा है, फाइल का नाम यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन सा फाइल सेव हो रहा है, अब ये सेव होने के बाद अपने आप ही फोल्डर खुल गया जो जहाँ पे सेव हुआ है, और ये भी बोल रहा है रिकवरी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इस लोकेशन पे सेव हो गया है, ओके कर दो अब इसको, और यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं, और अगर आपको दोबारा से स्कैन करना है तो आप दोबारा से होम पे जाके दोबारा से कर सकते हैं, अगर आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर दें, अब आपको जो भी अगर करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, पर अब मुझे करना नहीं है तो मैं बंद कर दे रहा हूँ, और अब मैं अपना फाइल चेक कर रहा हूँ कौन कौन से फाइल हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे फाइल्स हैं, ये देख सकते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि किस तरह से आप फाइल रिकवर करें, डिलीटेड फाइल को किस तरह से इजीली रिकवर कर सकते हैं, अब अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो, इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो या फिर आपके आपके हेल्प में आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं और भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, थैंक यू।